भाई वो क्या है? अरे नहीं 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 नहीं, निकल 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 भाई जेड ड्रैगन, मेरे आंखों के सामने धुआं छा गया भाई, भाग। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का पालवल के एक कमाल के धमाकेदार एपिसोड के अंदर। और गाइस, ये मेरा पहला एपिसोड होने वाला है अपडेट के बाद। पालवल के अंदर नया आइसलैंड जब से अपडेट आया था, मेरा बहुत सोच रहा था कि भाई मैं कब अपना एपिसोड रिलीज करूंगा। तो भाई ये रहा मेरा पहला एपिसोड और यहाँ पर हम लोग विजिट करने वाले हैं पालवल के आइसलैंड को। और भाई वो आइसलैंड कोई ऐसा वैसा आइसलैंड नहीं है, वहां पर बहुत ही खतरनाक खतरनाक टाइप के पल्स अवेलेबल है। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो होगा भाई मेनास्टिंग टेहरा को पकड़ना। काफी बड़े लेवल का पोकेमोन है, उसको भी हम लोग कैप्चर कर पाए। आइए शुरू करते हैं अपनी इस एपिसोड को। तो मेरे भाई, ये है हमारा एक प्यारा सा बेस। और भाई मैं अपने बेस के अंदर बहुत दिनों बाद आया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रीम पर। अभी मैं दूसरे वाले वर्ल्ड के अंदर खेलता हूँ और इस वाले बेस को मैंने जरा भी अपग्रेड नहीं किया है। वैसे तो इस वाले वर्ल्ड के अंदर मेरा जो लेवल है भाई ऑलरेडी 50 हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मेरे पोकेमोन्स का लेवल भी भाई 50 लेवल के हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े पोकेमोन्स ऑलरेडी मैंने कैप्चर कर ली हैं। बट भाई आज 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 हम लोग जाएंगे और विजिट करेंगे। तो वहाँ जाने से पहले भाई मैं कुछ बॉल्स वगैरह बना लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास बॉल्स अभी है नहीं यार। ठीक है, तो यार भाई मैंने यहाँ पर बना ली हैं 17 बॉल्स। और भाई देख रहे हो आप, यहाँ पर मेरे जो एनुबिस हैं जल्दी से आ गए हैं भाई। ठीक है, तो भाई यार हमने अपने लिए बॉल्स बना ली हैं और अब चलते हैं भाई पकड़ने मेनास्टिंग का। लेकिन भाई पकड़ने से पहले मैं आपको वो आइसलैंड एक बार ज़रूर घुमाऊँगा कि भाई उस आइसलैंड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई ये रहा वो नया वाला जो है आइसलैंड। और आप देख सकते हो यहाँ पर रिलैक्सोरस लक्स जो है भाई 47 लेवल का, यहाँ पर ये जो ग्रीन टेल है 50 लेवल का ग्रीन टेल गाइस। और ये रहे वो हमारे जो फ्रॉग वाले जो पोकेमोन आप लोगों ने देखे होंगे वो है ये। एंड यहाँ पर भाई ये अवेलेबल है यहाँ पर श्रूमर। एंड श्रूमर भाई काफ़ी अच्छा एक पोकेमोन है। अब मैं लेके चलता हूँ भाई तुम्हें सुहानी वादियों के अंदर गाइस। यहाँ पर जो एक सबसे मतलब अमेजिंग जो मैं कहूँगा एरिया है भाई इस पूरे आइसलैंड का, तो वही मैं तुम्हें दिखा। तो ये देखो, ये है भाई चीज़, देख रहे हो यार ये ब्लॉसम्स के मतलब पेड़ यार क्या ही गजब लग रहे हैं। ये हम उनमें देखते थे कार्टून में, जहाँ पर ये शायद नोबिता और ये पोकेमोन वगैरह के अंदर आप लोगों ने जरूर देखे होंगे भाई ये। और ये रहा भाई चिलेट वाला, ये मेरे पास नहीं है, एक मिनट, इसका नाम क्या है भाई? चिलेट इग्निस। अरे भाई चिलेट का नाम भी इग्निस कर दिया इन लोगों ने, सही है यार। हट तेरी, मेरी बॉल बेकार हो गई यार, क्या करता है भाई जेड ड्रैगन। और भाई ये वाला एरिया देखो यार, ये जो टेंपल वाला, ये भाई क्या ये चर्च है, क्या है ये घर है, ये नहीं पता। बट भाई ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, मेरा मन हो गया कि भाई रियलिटी में अगर मेरा घर यहाँ पर होता ना तो भाई गज़ब मज़े ही आ जाते। लेकिन भाई कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर अपना एक बेस बनाऊँ और इसको अपने बेस के अंदर ज़रूर से रखूँगा भाई। अब चलते हैं अपने खतरनाक बीस्ट के पास भाई, जिसकी मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि भाई वो तो काफ़ी तगड़ा पोकेमोन यहाँ पर है। भाई ये क्या है? अरे भाई भाई हेल्जफर यार, गोल्डन कलर का यार, मतलब येलो और ब्लैक यार, क्या ही कॉम्बिनेशन है यार इस हेल्जफर का, इतना बबाल लग रहा है यार ये। एक मिनट यार, मेरे को इसको कैप्चर करना है भाई, मेरे को ये कैप्चर करना है किसी भी कीमत पर। कम ऑन जेड ड्रैगन भाई, मार इसको। अरे पूरा नहीं मारना है भाई, रुक जा भाई। ये क्या किया इसने यार? हाँ बट कोई बात नहीं गाइस, चलो यार दूसरी बार ट्राई करते हैं। मैं तो इसको देखकर ही भाई अमेज हो गया एकदम से यार, कि ये क्या हेल्जफर है भाई। फिर से मिल गया, बहुत ही सही भाई, मिल गया मिल गया मिल गया, इस बार नहीं छोड़ूंगा भाई। और इस बार जेड ड्रैगन से फाइट नहीं करवाएंगे, इस बार भाई अपने फ्लैरिस से फाइट करवाएंगे इसकी। जेड ड्रैगन बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था इसको। चल भाई फ्लैरिस, बहुत सही भाई फ्लैरिस, इसको मतलब पकड़वाने में हेल्प कर सकता है अपनी। No. अबे मारना नहीं था यार फ्लैरिस भाई, यार मैं क्या ही करूं भाई, ये मार क्यों दे रहे हैं। मैं एक काम करता हूं भाई, इससे लड़वाते हैं अपन, फाइट करवाते हैं भाई इसकी वेलेनोर के साथ, शायद वेलेनोर इसको कम डैमेज दे और हम इसको कैप्चर कर लें। बस बस बस, वेलेनोर ज्यादा नहीं, एक मिनट। अरे भाई यार, लेकिन कुछ भी कहो यार, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। आ गया आ गया आ गया, हो गया डैमेज भाई, आ जाइयो 16 का कैप्चर रेट। एक मिनट, मीटियोरॉइड भाई, मीटियोरॉइड गिर रहा है कहीं पर भाई, मेरे पास मीटियोरॉइड गिर रहा है यार। ओ भाई वो क्या है? रे भाई ये सेलिन भाई, सेलिन क्या नाम है इसका। अरे भाई बहुत ही खतरनाक भाई, इसको मेरे को लग रहा है ये सिंडिकेट वाले जो हैं इससे फाइट ले रहे हैं। और इसका लेवल देखो भाई 52 लेवल का यार, कैसे यार ये ऊपर से गिरी थी भाई कहीं से।
भाई ये जो है ना मीटियोराइट मैंने अभी देखा था कि भाई ऊपर से गिरते हैं, ये तो भाई सच में गिरते हैं। अरे भाई अटैक देखो इसका, रुको भाई फाइट करने के मूड में है ये बंदी। अच्छा भाई तू फाइट ही कर ले, देखते हैं भाई कौन ज्यादा पावरफुल है भाई। लेकिन मेरे को लग रहा है ये ज्यादा पावरफुल। अरे नहीं 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 नहीं, निकल 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 भाई जेट ड्रैगन, मेरे आंखों के सामने धुआं छा गया भाई, भाग। ओए भाई जा, मैंने तेरे को माफ़ किया। अरे यार वो देखो मेरे पीछे लग गया यार पोकेमोन। ये देखो ये कहाँ जा रहा है भाई किकेट। अब चलते हैं भाई इससे फाइट लेते हैं, थोड़ा दूर से फाइट लड़ेंगे। एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इससे दूर से रहकर मैं फाइट कर पाऊँ, कि ये पास में जाने पर तो भाई मार देगी। अच्छा भाई जेट ड्रैगन, एक मिनट जेट ड्रैगन, तू नहीं। अरे भाई अटैक, भाई क्या खतरनाक अटैक मार रही है यार ये। भाई क्या लगता है यार मेरा फ्लैरिस को डिफीट कर पाएगा क्या? लेकिन खैर ये भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है, वो भी भाई खतरनाक डैमेज दे रही है मेरे पोकेमोन्स को। कम तो वो भी नहीं है यार, ये देखो फ्लैरिस को कितना डैमेज दिया। नहीं 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 फ्लैरिस नहीं, फ्लैरिस नहीं, ऑस्ट्रेलियन से फाइट कर बेटा। ओके भाई फ्रॉस्टालियन सही डैमेज दे रहा है इसको, फ्रॉस्टालियन कर लेगा, मे भी फ्रॉस्टालियन कर देगा भाई। फ्रॉस्टालियन भाई इसको पकड़ने में हेल्प कर सकता है। और वो कहाँ आ रही है भाई, मेरे पास आ रही है क्या? बहुत सही भाई, डैमेज तो काफी दे रहा है यार मेरा फ्रॉस्टालियन जो है। ये क्या कौन सा शिट, मैं गया भाई। अरे नहीं 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 नहीं, अरे इतना खतरनाक अटैक करेगी भाई तो मार ही देगी ये तो यार। लेकिन मेरे को इसको पकड़ना है, अगर मैंने इसको पकड़ लिया ना तो मतलब मजे ही आने वाले हैं भाई। गाइस कोशिश तो करते हैं यार, 7 का कैप्चर रेट दिखा रहा है, अगर मिल गई ना तो मतलब अरे आ जा यार प्लीज, मैं कोशिश करूंगा यार। रुको जरा, इसको भाई घर लेके ही चलेंगे अब तो, अब आ तो गई है भाई। नहीं भाई यार प्लीज यार, मर जाएगी अगर मैंने इसको अभी अपने पोकेमॉन्स को छोड़ दिया तो, और ये इतना नाटक कर रही है ना। प्लीज यार प्लीज आ जा भाई, मार दिया होता उसने। शिट मैं गया। फ्रॉस्टालियन यार खत्म करो इसको यार। अरे फ्रॉस्टालियन तू खुद खत्म मत हो जाइए। हो गया भाई प्लीज, अब एक बॉल बची है, नाटक मत कर प्लीज। मिल गई भाई, क्या बोलूं यार, कैप्चर कर लिया यार मैंने इसको भाई। सेलिन क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता इसका क्या प्रोनंसिएशन है, बट भाई कैप्चर कर लिया। और इसको कैप्चर करने के लिए हमारा जो है फ्रॉस्टालियन ने अपनी जान दे दी, बट भाई मिल गया। और ये रहा यार वो मीटियोराइट, यही ऊपर से गिरा था। एक मिनट, इसके पत्थर भी कलेक्ट हो सकते हैं। ये क्या है, मीटियोराइट फ्रेगमेंट भाई, ये शायद कहीं यूज कर। अरे भाई ये कहां से आ गए? अरे नहीं 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 भाई नहीं, मारो नहीं यार मेरे को। अबे भाई ये इसके रक्षा क्या मीटियोराइट के, ये लो ये भी लड़ने लग गया भाई शैडो वीक। एक मिनट भाई, यहाँ शैडो वीक नहीं यार बीकॉन, निकल भाई यहाँ से। अरे जेट ड्रैगन लड़ना नहीं है भाई मेरे को, बैठा भाग भाग यहाँ से। अरे भाई मान जा, एक तो भाई ये भी लड़ने के फुल मूड में रहता है, निकल पहले यहाँ से। भाई क्या ही लग रही है यार भाई, मैं इस पे बैठ के भी उड़ सकता हूँ यार, इसका भी वो है। एक मिनट इसका कहाँ पर है, जरा चेक करते हैं, इसका सैडल होगा तो मैं अभी अनलॉक करता हूँ। अरे भाई एल्जिफर लक्स का सैडल यहाँ पर है और इसका सैडल भी यहाँ पर है। अरे भाई क्योंकि अभी हमको अपने मेनास्टिंग को पकड़ने जाना है, और भाई अब हमारे पास ये भी पोकेमोन आ गया है तो कैप्चर कर पाएंगे भाई मेनास्टिंग को। बहुत बढ़िया भाई, 7 बॉल्स बन चुकी हैं यहाँ पर। एक बार मेरी सारी बॉल बन जाए फिर हम सीधा लेके चल रहे हैं मेनास्टिंग के पास, और उसी के साथ जब हम मेनास्टिंग को पकड़ लेंगे एंड करेंगे भाई अपनी आज की इस वीडियो को। चलो भाई पकड़ने चलते हैं भाई मेनास्टिंग तेहरा को। एंड ये रहा भाई मेनास्टिंग तेहरा, कोशिश करते हैं इसे फाइट करने की। और सबसे पहले भाई मैं अपने सबसे कम लेवल के पोकेमोन को, जो कि है भाई वेलेनोर, इसको मैं ट्राई करूंगा और देखते हैं ये क्या करने वाली है भाई यहाँ पर। लेकिन यार वो भी भाई कम नहीं है, रहने दे भाई वेलेनोर, वापस आ, इससे लड़ो भाई, मेरे करण के साथ लड़के दिखाओ तुम। भाई एक काम करते हैं, हमारे पास जो नया मतलब अपना मेंबर हम लोगों ने अभी अभी पकड़ा था भाई, उससे फाइट करवाते हैं और देखते हैं कि वो कितना डैमेज देती है इसको। तो लेट्स गो भाई, जाओ भाई, बहुत ही सही भाई, डैमेज तो ये भी दे रही है। एंड डैमेज इसका ठीक ठाक सही है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ अभी ये ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको कैप्चर किया है ना, तो जब ये मेरे साथ में रहेगी तो उसका जो है सारे जो स्टैट्स हैं भाई वो बढ़ जाएंगे। बाकी मैं इसको और अपग्रेड करता चलूंगा, फिलहाल भाई कोशिश करते हैं ये थोड़ा सा डैमेज दे दे, अभी नहीं दे पाएगी भाई, वो ज़्यादा डैमेज दे रहा है यार। तो वेट क्यों कर रहा है, एक मिनट यार, उसने कुछ छोड़ दिया इसमें, शायद उसने डंक मारा था भाई। अभी मेरा जो है ये नेक्रोमस ब्लू कुछ फेल रहा था। एक मिनट, दे रहा मारेगा, बहुत सही, ज़्यादा नहीं। आ जाओ, क्या लगता है भाई 146 HP पे इसको कैप्चर कर पाएंगे? अरे यार रिद्धि है ये पोकेमोन, आ जा प्लीज़ भाई आ जा, यहाँ तेरा कुछ नहीं होने वाला यार जंगल में, मतलब जंगल भी नहीं है तो रेगिस्तान है यार, हद है यार, कितनी बॉल्स के अंदर आएगा अब, कितना डैमेज दूं तुझे। और भाई ये अभी नहीं आने वाला, मेरे को लग नहीं रहा है कि ये अभी आएगा, ये बहुत ही जिद्दी है भाई। आ जा यार, क्या कर रहा है भाई, हट यार,
कोई बात नहीं यार, इसको ऐसे ही डैमेज देते हैं भाई थोड़ा थोड़ा इसको, लेकिन मुझे पकड़ना है भाई। चार बॉल बची है यार, मैं 13 बॉल लेकर आया था ऑलरेडी, इसने मेरी 11 जो बॉल है मतलब ले ली भाई, यूज़ कर ली। हाँ सॉरी 9 बॉल, 11 बोल रहा हूँ भाई, अभी तक ये पकड़ में नहीं आया है भाई। लेकिन मेरे को ये चाहिए तो इसको मैं डैमेज दे के लेके तो जाऊँगा। मार भाई, अब तो मैं प्रो हूँ यार भाई। डैमेज डैमेज दिया, डैमेज दिया भाई। इसके मुझे अभी बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी डैमेज हुआ ना तो मेरा हेल्थ बहुत जाएगा अगर इसने अभी मार दिया मुझे। एक मिनट, ये जंप ना कर दे बस मेरे ऊपर, मुझे डर बस उसी चीज़ का है। ये ले भाई प्लीज़ यार, अब तो आ जाइए, आ जा यार, आ जा। कितना डैमेज दूँ यार इसको। भाई ये जो है ना टेरा, इसने दिमाग का दही कर दिया यार। हट यार, लेकिन देखो मैं बस कैप्चर के इसको कैप्चर करने की वजह से भाई मारा गया, अदरवाइज मैं उसको पकड़ लेता। मुझे लगता है इसके लिए हमें शायद अल्टीमेट स्पेयर लगेंगी भाई, क्योंकि उसका जो लेवल है ना 54 है भाई, इस वाले बॉल्स के अंदर वो नहीं आने वाला। एंड अल्टीमेट स्पेयर के लिए मुझे भाई ये बनाने पड़ेंगे, रुको मैं बनाता हूँ। अब क्या चाहिए भाई? अच्छा ये चाहिए ना, ठीक है यार, दो बॉल्स ये वाली भी लेके चलेंगे क्योंकि काम आएगी भाई। वैसे तो मुझे अल्टीमेट स्पीयर बनाना चाहिए था, लेकिन अभी अल्टीमेट स्पीयर बनाने के लिए मेरे पास क्रूड ऑयल नहीं है भाई। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भाई हम लोग जाएंगे ऑयल फैक्ट्री भाई, वो भी एपिसोड कमाल का रहेगा। और क्या वहाँ पर मतलब चीज़ें मिलेंगी हमें देखने को, वो तो भाई उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। तो भाई अगर आप लोग नए हो चैनल पर, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब ऐसे ही आपको और कमाल के एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं पाल वर्ल्ड के, और जितनी भी अपडेट आएंगी भाई आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। बाकी इस बार मैं कम ही बॉल लेकर जाऊंगा, लेकिन भाई इस बार मैं अपना रॉकेट लॉन्चर लेकर जाऊंगा। आप लोग देख सकते हो ये रहा, और उस मेनास्ट्रिंग को भाई इससे हम लोग डैमेज करेंगे। चलो भाई आ रहे हैं भाई टेरा तुम्हारे पास, फिर बचा सको तो भाई बचा लो खुद को। चल भाई जेट ड्रैगन यहाँ पर कोई नहीं है भाई, तू मार इसको और बाकी मैं रॉकेट लॉन्चर उड़ा देता हूँ। ये भाई ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा यार लेकिन लॉन्चर से भी, ये देखो। बाकी जेट ड्रैगन साथ में है, लेकिन मैं फ्रॉस्ट आलिन को ज़रूर छोड़ूंगा अब। और भाई तेर को बताते हैं, रुक अभी, बहुत बड़ा गुंडा बन रहा था ना तू, अब लड़के दिखा, अब नहीं टिक पाएगा मेरे प्रोस्टालिन के सामने भाई। प्रोस्टालिन मैंने गॉड लेवल का बना के रखा है मेरा। और इसको डैमेज करो, और करो भाई डैमेज थोड़ा सा। ये चिंदी भाई, मैंने इसको कितना कम एचपी पर ले आया था, बट इसने मेरे को मार दिया था भाई। जल्दी जल्दी यार, नेक्रोमस क्या कर रहा है, पिटवाएगा क्या? चल भाई नेक्रोमस। ये लो। उसके भाई इतने हाथ चलते हैं ना, चाकू जैसे उसने रेल बना दी भाई इसकी। तो यार भाई कैसा लगा ये वाला एपिसोड? और आज के इस एपिसोड के अंदर भाई हमने कुछ नए पोकेमोन्स पकड़े, नए प्लेसेस को विजिट किया। भाई अगले एपिसोड के अंदर हम लोग जाने वाले हैं वो जो ऑयल रिक फैक्ट्री आई है वहां पर, मुझे अभी उसका लोकेशन नहीं पता है। अगर आप लोग जानते हो भाई क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उनके, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ताकि मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं उस लोकेशन पर जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी उसको ढूंढ लूं। बाकी ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन जिसका भी बेटर है ना भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे लेजेंडरी टाइप पोकेमोन कैसे मिल सकते हैं। तो चलो यार करते हैं अपने इस एपिसोड का अंत यहीं पर ही। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए भाई कॉमेंट कर देना, और भाई सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो, क्योंकि अब पालवर्ल्ड के रिगार्डिंग आपको ऐसे ही और एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं वन बाय वन। तो भाई ये था पहला एपिसोड, कैसा लगा अपने थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।